Hey guys, welcome back to my channel Blossom for Bhasha. Welcome to another episode of Code Girl series. So, jaisa ki aapne dekha tha pichle vlog mein that we traveled from Delhi to Code Girl by road aur hum log stay kar rahe hain ek traditional Himachali wood house mein jo ki ek chote se village Code Girl mein hai. Is property ka naam Phalbag hai, which is true to its name. ये प्रॉपर्टी ऑर्चर्ड के अंदर ही सिचुएटेड है सो अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो सुबह आप एप्पल ऑर्चर्ड में वॉक कर सकते हैं आई वुड सजेस्ट फॉर मॉर्निंग वॉक्स ओनली बिकॉज नाइट वॉक्स थोड़े स्कैरी हो सकते हैं दिन की शुरुआत एप्पल ऑर्चर्ड में वॉक करते हुए पहाड़ों के सुंदर नजारे देखते हुए किया हमने अब चलिए हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट एंड देन मैं आप लोगों को प्रॉपर एक हिमाचली वुड हाउस टूर देने वाली हूँ दिस इज द प्रिटी हाउस और इसके बालकनी में बैठ के हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं होम स्टे एट कोड गर्ल इन हिमाचल प्रदेश सो ये प्रॉपर्टी हमने एयरबीएनबी से बुक करा है एंड दिस इज अ ट्रेडिशनल हिमाचली वुड हाउस आप देख सकते हैं कितना सुंदर है सो चलिए मैं आप लोगों को देती हूँ इस जगह का हाउस टूर ये है एंट्री पॉइंट यहाँ से स्टेयर्स जाती है फॉर आवर हाउस यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे जो ओनर्स हैं उनका किचन गार्डन है तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने लगा रखी है इधर लाइक इन्होंने यहाँ पे चिलीज का प्लांट लगाया है एंड इसके आसपास पूरा ऑर्चर्ड एरिया यहाँ के ओनर्स का ही है यहाँ पे मेनली प्लम्स कीवी एप्पल एंड कीनू का ऑर्चर्ड था ये तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वुड हाउस तो ये घर की तरह है तो अपने शूज जो आप बाहर से पहन के आ रहे हो आपको यहाँ उतारने हैं एंड दे हैव प्रोवाइडेड स्लीपर्स यहाँ से आप स्लीपर्स लीजिए एंड घर के अंदर एंटर कर सकते हैं यहाँ पे एक और सिटिंग का अरेंजमेंट है दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल और यहाँ से जो व्यू है दैट इज अमेजिंग सो गाइस ये 2 BHK होम है यहाँ पे एक डाइनिंग रूम ड्रॉइंग रूम है एंड 2 bedrooms है एंड यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल बालकनी जो कि दोनों रूम्स के सामने से ओपन होती है एंड द व्यू इज लाइक दिस चलिए सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग रूम में सो दिस इज अ वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल रूम यहाँ पे नाइस सा सोफा है एंड यहाँ पे 4-seater डाइनिंग टेबल है सो यू कैन बुक योर सेल्फ यहाँ पे किचन भी है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एंड 2 bathrooms है यहाँ के विंडोज से आपको सारे ऑर्चर्ड के व्यूज दिखेंगे यहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल है एंड बहुत अच्छा कनेक्शन है सो चलिए फर्स्ट बेडरूम पे चलते हैं And this is a traditional rustic door of Himachal Pradesh ka house. It's so beautiful and its ka height dekhiye. So this is this small aur thode lambe logon ko thoda jhuk ke jana padega. So come in. अब चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ दिस इज अनदर रूम एंड सेम ऑलमोस्ट सेम इसका भी डिजाइन है दे हैव विंडो कबर्ड्स एंड बेड एंड यहाँ
यहाँ का सबसे अच्छा पार्ट मुझे यहाँ का किचन लगा है। सो गाइज, ये तो था ट्रेडिशनल हाउस, बट हाउस किचन के बिना इनकम्प्लीट है। और ये जो किचन है ये अमेजिंग है, ऑथेंटिक। सो ये है ट्रेडिशनल किचन, कमिंग। यहाँ पर चूल्हा है, आई डोंट नो ये सच में फंक्शनल है कि नहीं, बट दिस इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह सब प्रोवाइडेड है, एंड यहाँ पे एक गैस है, गैस स्टोव प्रोवाइडेड है, जो कि कम्प्लीटली फंक्शनल है। सो दैट वाज इट फॉर द होम टूर। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। सो यहाँ मैंने एक डिनर का क्लिप ऐड कर दिया है, जो कि होम स्टे की तरफ से ही था। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से वो आपके लिए डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट रेडी कर देते हैं। बाय प्रेफरेंस आई मीन वेज और नॉन वेज। ऑब्वियसली यहाँ पे आप पिज्ज़ा पास्ता एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और रात में ऑब्वियसली आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो आप इंडोर्स बैठ के कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं। हम लोगों ने कार्ड्स खेले यहाँ पे एंड हमें बहुत मजा आया। एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ब्लफ खेला एंड रियली एंजॉयड इट। डिनर के बाद यूजुअली लोग टीवी या अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, बट ऐसी जगह पे आकर डिनर के बाद खेलने में बहुत मजा आया। तो हम निकल रहे हैं नारकंडा साइट सीन के लिए, लेट्स गो। हाँ, क्या कह रहे हो अंकल? हाय चीकू, हाय। क्या वेदर है, क्या व्यू है। सो ये सामने का घर ओनर्स का है, और ये ऊपर इनका एयरबीएनबी है, विच इज ट्रेडिशनल हाउस। यहाँ पर वाईफाई एंड नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है, सो वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। आप नेचर के करीब भी रह सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। और इस एयरबीएनबी में आपको कार पार्किंग की भी जगह मिल जाती है, विच इज अ एडेड प्लस पॉइंट। सो यहाँ से नीचे जाके देयर इज रोड, जहाँ से हम निकल सकते हैं फॉर नारकंडा। सो ये वॉकिंग ट्रैक है नीचे जाने का, इवन कार भी यहीं से नीचे गई थी, एंड इट वॉज सच अ टास्क यस्टरडे कि इसको ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। एंड पहाड़ों में ऑब्वियसली लाइट्स नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। एंड काफ़ी बार जो है हमारी गाड़ी स्किड करी है इधर, बट आफ्टर लाइक 10-15 मिनट्स चली ही गई गाड़ी। तो आई वुड सजेस्ट, आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं तो सनसेट से पहले अपने लोकेशन पे पहुंचिए। चलो गाड़ी में बैठते हैं एंड निकलते हैं आज के ट्रिप के लिए। एक्साइटेड। यहाँ दोनों भाई अपना फोटो शूट कर रहे हैं। गाड़ी इतनी गंदी हो रखी है और इसमें फोटो शूट हो रहा है। फोटो तो आपने तो बढ़िया लिया, हाँ फिल्टर लगाना पड़ेगा। ओहो बहुत ही बुरा हाल हो गया, थोड़ी बारिश भी हुई थी ना सुबह। चलो लेट्स गो। नहीं ओए होए ओए होए ओए होए पदो पदी पदो पदी पदो पदी ओए होए ओए होए ओए होए होए। और होते चीकू एकदम कंटेंट पूरा दे देते हैं। वेरी नाइस चीकू। सो गाइस ये व्लॉग यही तक था, नेक्स्ट व्लॉग में आपको नारकंडा एंड कोटगढ़ की साइट सीइंग कराएंगे। Till then, bye, take care, and please like this video and also subscribe to this channel if you haven't already, and share with your friends and family who are looking for an off-beat location close to the nature. Details are in the description. Please check it out.